वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 13 टाइम सीरीज एनालिसिस। अब सबसे पहले जाना ज़रूरी ये है कि हम टाइम सीरीज़ को पढ़ते क्यों हैं। टाइम सीरीज़ हमारा फ्यूचर फोरकास्टिंग में हेल्प करता है, मतलब फ्यूचर में होने वाले एनालिसिस, यानी कि आफ्टर सेल क्या होगी हमारे इस टाइम पीरियड के बाद, हमारे कितने नंबर्स ऑफ पीरियड का कितना प्रोडक्शन होगा, हमें एनुअल प्रोडक्शन ऑफ अ क्रॉप बीट ओवर अ नंबर ऑफ ईयर कंस्टिट्यूट अ टाइम सीरीज़। इट मीन्स हम यहाँ पे क्रॉप के प्रोडक्शन के बारे में पता कर सकते हैं। हम पास डाटाबेस को स्टडी करके या फिर हिस्टोरिकल डाटाबेस को स्टडी करके टाइम सीरीज़ का एनालिसिस करते हैं। नाउ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ टाइम सीरीज़। अ टाइम सीरीज़ कंसिस्ट ऑफ डाटा अरेंज्ड क्रोनोलॉजिकली। इट मीन्स जो हमारा डाटा होता है वो जब पहले हुआ होता है उसको हम सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। टाइम सीरीज़ के दो फैक्टर्स होते हैं, टाइम और प्रोडक्शन। टाइम के साथ प्रोडक्शन में क्या चेंजेस आती हैं उसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। अब टाइम सीरीज़ को करने का पर्पस क्या था? फॉरकास्टिंग, इससे हमें फ्यूचर में होने वाली प्रिडिक्शंस का पता चलता है। और पास्ट डाटा एवेल्युएशन, हम इसने पास्ट में जो हमने डाटा बनाया था या फिर कोई भी अकाउंट्स हमने मेंटेन किए थे उससे हम अपना क्या कर सकते हैं, चेंज कंपेयर कर सकते हैं। वी सी द कॉम्पोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। हेयर द फर्स्ट इज सेक्युलर ट्रेंड और लॉन्ग टर्म मूवमेंट। लॉन्ग टर्म मूवमेंट इज़ दैट मूवमेंट विच गोज फॉर लॉन्ग टाइम। बट ये हमें क्या दिखाता है? कंटिन्यूस ग्रोथ दिखाता है। ये हमें ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलती है? कहाँ देखने को मिलती है? हमारे इकोनॉमिक्स में, इको में, बिजनेस में। नाउ अगर हमें प्राइस डिसाइड करना है या फिर हमें इनकम डिसाइड करनी है या ग्रोथ डिसाइड करनी है किसी चीज़ की, बैंक की डिपॉजिट, प्रोडक्शन, वेजेस, प्राइस, ये सब हमारे क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं। नाउ फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ट्रेंड। ट्रेंड इज़ समथिंग इज़ चेंजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ जो किसके साथ चेंज हो रही है, टाइम के साथ। अब वो कुछ भी हो सकती है, प्रोडक्शन हो सकता है, प्राइस हो सकता है, सेल्स हो सकती है, एसेट्रा। अगर हम सेक्युलर ट्रेंड की डिफाइन देखें तो वो क्या होगी? द जनरल टेंडेंसी ऑफ अ टाइम सीरीज डाटा टू इंक्रीज और डिक्रीज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड सेक्युलर ट्रेंड। एक ऐसी जनरल टेंडेंसी जो किसके साथ चेंज हो रही है, टाइम सीरीज डाटा के साथ, या तो वो कभी बढ़ रही है या कभी डिक्रीज हो रही है, यानी कि कम हो रही है। किस में? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब वो बढ़ने और घटने के लिए बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ले रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेक्युलर ट्रेंड। अब यहाँ पे अगर सपोज हम कहें कि हमारे प्राइस में चेंजेस हो रहे हैं, तो प्राइस में चेंजेस क्या है? एक लॉन्ग टर्म चेंज है जो एकदम से तो बिल्कुल नहीं बता सकता। नाउ द सेकेंड इज़ सीजनल वेरिएशन और शॉर्ट टर्म मूवमेंट। अब ये क्या है? एक शॉर्ट टर्म मूवमेंट है। सीजनल से ही मतलब समझ आ रहा होगा, सीजन मतलब मौसम ही, यानी कि मौसम के अकॉर्डिंग कोई भी चेंज आना, कोई भी वेरिएशंस आना, किसमें? प्रोडक्शन में, सेल्स में, किसी भी चीज़ में, प्राइस में हो गया, एसेट्रा। इट इज़ अ शॉर्ट टर्म मूवमेंट विच ऑकर्स रेगुलरली एवरी ईयर। पर ये जो चेंज आ रही है, जो वेरिएशंस आ रही है, वो कब आएगी? एक साल से पहले ही आ जाएगी, मतलब एक साल के अंदर ही। टाइम लेस देन वन ईयर, एक साल के अंदर ही अंदर, ओके। इसका एग्जांपल के तौर के लिए, जैसे सीजन्स के अकॉर्डिंग हम अपने विंटर हो गया, समर हो गया, उसके क्लोथ चेंज करते हैं। अब ये तो है नहीं कि आप समर्स में विंटर के कपड़े पहनेंगे, तो वो क्या एक तरह की वेरिएशंस है। अब वो प्राइस में भी चेंजेस हो रही है, डिमांड में चेंज हो रही है हमारी, तो इसे हम सब क्या बोलते हैं? सीजनल वेरिएशन और शॉर्ट टर्म मूवमेंट। नेक्स्ट इज साइक्लिक वेरिएशन और लॉन्ग टर्म मूवमेंट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइकिल की तरह यहाँ पर वेरिएशंस होती हैं, मतलब यहाँ पर वेरिएशंस जो हैं वो फिक्स नहीं है, कभी भी कैसे भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू इकनॉमी, अकॉर्डिंग टू बिजनेस पर्पस। बिजनेस साइकिल्स भी फोर टाइप्स की होती हैं, प्रोस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी। अब यहाँ पे चार टाइप्स के फ्रेज आते हैं उसमें। प्रोस्पेरिटी जब बिल्कुल ही बूम पीरियड होता है, जब हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। रिसेशन यानी कि मंदी, बिल्कुल ही कमाई नहीं हो रही है, बिल्कुल ही जैसे धंधा ठप हो के बैठा हुआ है। डिप्रेशन यानी कि कंपनी के चलाने के लिए कोई वर्कर्स नहीं है, कोई एम्प्लॉयज़ नहीं है। या फिर रिकवरी, उसको उभरने में भी टाइम ही लगा उस डिप्रेशन से, तो हम अभी भी डिप्रेशन और रिकवरी के बीच में ही अटके पड़े हैं। अब हम यहाँ पे साइक्लिक वेरिएशन की डिफाइन देखेंगे।
इट इज़ लॉन्ग टर्म ऑसिलेटरी मूवमेंट. ऑसिलेटरी का मतलब झूला टाइप, यानी कि कभी ऊपर कभी नीचे. इन अ टाइम सीरीज विद पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ग्रेटर देन वन ईयर. अब यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है, एक साल से ज़्यादा का. और हमने अभी सीजनल वेरिएशन में क्या पढ़ा था कि वो एक साल के अंदर ही चेंज होता है. अब यहाँ पे साइक्लिक वेरिएशन का एग्जांपल क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे डिमोनेटाइजेशन. डिमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी. अब जैसे नोटबंदी हुई, उसके बाद बिल्कुल ही हमारे हाथ से मनी पावर चला गया. और मनी पावर जाने के बाद तो आप सबको पता है कि हमारी कमाई बिल्कुल ठप हो जाती है. ऐसी रिसेशन, मंदी, बिल्कुल भी हम जैसे इंसॉल्वेंट हो गए एक्सेट्रा. लास्ट कॉम्पोनेंट ऑफ इरेगुलर और रैंडम वेरिएशन, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, आई से. इरेगुलर और रैंडम वेरिएशन, अब यहाँ आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल इरेगुलर है, मतलब कि बिल्कुल भी रेगुलर टाइप पे नहीं आ रहा, फ्लक्चुएट कर रहा है बार बार. द फ्लक्चुएशंस विच आर कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल, जो हमें पता ही नहीं कि हो सकती है कभी भी इन नेचर, या फिर किसी भी चीज़ की तरीके से कॉज हो सकती है, जैसे वॉर हो गई, लड़ाई हो गई, फ्लड, बाढ़ आ गई एक्सेट्रा. अब जैसे कि हमारे यहाँ पर कोरोना वायरस आ चुका है, अब उसको भी आप एक एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं. वो क्या है, एक तरह का रैंडम वेरिएशन है, किसी ने सोचा थोड़ी था कि आ जाएगा. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मैथमेटिकल मॉडल फॉर अ टाइम सीरीज़. यहाँ पे हमें दो टाइप्स के मॉडल्स दे रखे हैं, फर्स्ट इज़ एडिटिव मॉडल एंड सेकेंड इज़ मल्टीप्लिकेटिव मॉडल. ये दोनों मॉडल्स हमारे साइंस में ज़्यादा यूज़ होते हैं बेसिकली, जो BSc MSc वगैरह पढ़ते हैं. पर यहाँ पे हमें सिर्फ एक्सप्लेन समझने के लिए दे रखे हैं, वैसे ऐसे स्टडी बेसिस के लिए, और आपको उस चीज़ में करना नहीं है. एडिटिव मॉडल हमारा किस चीज़ से लेके कंसिस्ट होता है, यहाँ पे y इक्वल टू t प्लस s प्लस c प्लस i. यहाँ पे हमारा y क्या है, ओरिजिनल डाटा, यानी कि जो हमें डाटा दिया गया है उसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, ट्रेंड वैल्यूज. ट्रेंड वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताई थी, समथिंग विच चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. नाउ फर्स्ट आपको समझ आ ही गया होगा यहाँ पे कि सीजनल कॉम्पोनेंट, साइक्लिक कॉम्पोनेंट, इरेगुलर कॉम्पोनेंट और ट्रेंड वैल्यू, इन चारों को ऐड करके जब ओरिजिनल डाटा बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडिटिव मॉडल. यानी कि यहाँ पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ को लेते हैं. और यहाँ पे जो साइक्लिक और सीजनल वैल्यूज़ हैं, साइक्लिक और सीजनल की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती हैं, पर जो हमारा रैंडम वेरिएशन है वो हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो भी हो सकते हैं. द नेक्स्ट इज़ मल्टीप्लिकेटिव मॉडल. यहाँ पे अब हमें, पहले हमने ऐड किया था, अब उन सारे टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. ये सब हम तब करते हैं जब हमें एज अ रिलेटिव परसेंटेज के बेसिस पे क्या चाहिए होता है, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल. नाउ व्हाट इज़ द मेथड्स ऑफ मेजरिंग ट्रेंड. ट्रेंड आपको मैं पहले ही दो बार बता चुकी हूँ, तो दो मेथड्स हैं उसको मेजर करने के, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज एंड सेकेंड इज़ मेथड ऑफ लीस्ट एवरेज. फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन मेथड ऑफ मूविंग एवरेज. इसमें हमें पांच टॉपिक पढ़ने हैं. फर्स्ट इज़ थ्री ईयरली मूविंग एवरेज, फोर ईयरली मूविंग एवरेज, फाइव ईयरली मूविंग एवरेज, थ्री ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज एंड फाइव ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज. यहाँ पे फोर ईयरली इसलिए नहीं है क्योंकि उसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊँगी वीडियो में, आगे आप देखें. थ्री ईयरली मूविंग एवरेज का एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एग्जांपल वन, जहाँ पे हमें ईयर और वैल्यू दे रखे हैं. ईयर हमारा 2007 से लेकर 13 तक है और ये हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं उसकी, कि हमें कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, आपकी सेल्स हुई है, प्रोडक्शन हुई है इन थाउजेंड टर्म्स. ऐसे आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें आपको ऊपर हेडिंग देनी है कंप्यूटेशन ऑफ थ्री ईयरली मूविंग एवरेज, और यहाँ पे आप सारे ईयर्स नोट डाउन करेंगे एंड देन वैल्यूज़ उसकी. अब जैसे कि ये थ्री ईयरली मूविंग टोटल है, यानी कि हम थ्री ईयर्स का टोटल करके यहाँ पे लिखते जाएंगे. फर्स्ट में अगर हम यहाँ पे लें तो यहाँ पे थ्री तो बनेंगे नहीं, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या होगा, ब्लैंक. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, टू प्लस फोर प्लस सिक्स इक्वल टू ट्वेल्व. अब नेक्स्ट के थ्री लेंगे, फोर प्लस सिक्स प्लस एट इक्वल टू एटीन. अब आगे के तीन लेंगे, सिक्स प्लस एट प्लस थर्टीन. ऐसे आप सबको समझ आ जाएगा. पहले मैं इनको वैल्यूज़ को आपको लिख के दिखाती हूँ कि मैंने कैसे लिखे हैं. एट प्लस थर्टीन प्लस ट्वेल्व इक्वल टू थर्टीन प्लस ट्वेल्व प्लस फोर्टीन इक्वल टू, और यहाँ पे लास्ट में कुछ भी नहीं. तो इसका टोटल आप कैलकुलेटर की हेल्प से भी कर सकते हैं, 27 देन 33 एंड लास्ट 39. अब यहाँ पे आपको
चाहो तो ये दिखा सकते हो, चाहो तो आपकी मर्जी है। थ्री ईयरली मूविंग एवरेज निकालना है। अब हमें पता है एवरेज निकालने के लिए जितने हमने टर्म्स ली होती है उतने से उसको डिवाइड करते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे थ्री ईयरली का निकालना है, तो हम यहाँ पे थ्री से डिवाइड करेंगे किसको, जो हमने मूविंग टोटल निकाला है। तो फर्स्ट तो ब्लैंक ही रहेगा, तो अब हम करेंगे 12 को 3 से डिवाइड 4, 18 को 3 से डिवाइड 6, 27 को 3 से डिवाइड 9, 33 को 3 से डिवाइड 11 एंड 39 को 3 से डिवाइड 13 एंड लास्ट ये ब्लैंक। ये आपकी थ्री ईयरली मूविंग एवरेज का क्वेश्चन कंप्लीट। इस वाली पोर्शन को आप क्या बोलते हैं, ट्रेंड वैल्यूज भी बोलते हैं। ओके, फोर ईयरली मूविंग एवरेज का क्वेश्चन है, मैं आपको एग्जांपल 2 में समझाऊंगी। ये क्वेश्चन हमारा पहले भी आ चुका है 1991 में और 2005 में भी। यहाँ पे हमें ईयर्स दे रखे हैं ये रे, और यहाँ पे वैल्यूज़। तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे उतार लिया है, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सारे ईयर्स लिख दिए हैं और यहाँ पे सारी वैल्यूज़। अभी हमारा फोर ईयरली मूविंग टोटल निकलेगा। पहले हमने थ्री ईयरली निकाला था कुछ इस टाइप में, अब हम निकालेंगे फोर ईयरली मूविंग टोटल। तो फोर ईयरली मूविंग टोटल के लिए देखिए, पहले तो फर्स्ट 2 आपके ब्लैंक्स जाएंगे, क्योंकि हमने जब यहाँ पे 3 ईयर का निकाला था तो हमने फर्स्ट ब्लैंक छोड़ा था, क्योंकि हमें मिड वैल्यू देखनी होती है। तो अब यहाँ पे इसकी मिड वैल्यू क्या होगी, 1, 2, 3, 4, 4 की मिड वैल्यू क्या होगी यहाँ, तो यहाँ पे हम एरो डाल के लिखेंगे क्या, 53 + 79 + 76 + 66 इसका टोटल, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे इन चारों का टोटल, फिर नेक्स्ट यहाँ पे इन चारों का टोटल, फिर ऐसे करके आप इनकी मिड वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग इन चारों का चार चार करके इसका टोटल करते जाएंगे। मैं पहले एरो डाल रही हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए कि क्या करना है। ओके, अब मैं डायरेक्ट इनका टोटल लिख रही हूँ, क्योंकि आपको समझ आ चुका है कि 1, 2, 3, 4 यहाँ पे, फिर 1, 2, 3, 4 फिर इधर, ठीक है। ऐसे करके इनका टोटल करते जाएंगे। तो फर्स्ट का 274, देन 290, 305, 334, 356, 367, 377, 370, 378, 400 एंड लास्ट 402, ठीक है। अब नेक्स्ट 8 ईयर यानी कि 2 ईयर मूविंग टोटल, यहाँ पे हमने थोड़ा चेंज किया मेथड में, पर स्टिल हम ऐसे भी कर सकते थे इसको जैसे आपकी बुक्स में दे रखा होगा। अब हम इसका मिड का निकालेंगे। मैं यहाँ पहले एरो डाल रही हूँ आपके लिए। 2 ईयर है तो मतलब 2 साल का ही लेंगे खाली, तो इसके मिड की वैल्यूज़ लिखनी है अब हमें। अब मैं 274 और 290 को ऐड करूँगी, तो अब हमारा क्या आएगा, 564, 595, 639, 690, 723, 744, 747, 748, 778 एंड लास्ट 802, ठीक है। ये हमारे क्या है, 8 ईयरली यानी कि 2 ईयर मूविंग टोटल है। अब हमें क्या करना है, डी को 8 से डिवाइड कर देना है, तो हमारी क्या आ जाएंगी, ट्रेंड वैल्यूज़, और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद इसकी वैल्यूज़ देखिए, अब 564 को 8 से डिवाइड किया, 70.5, देन 74.375, 79.875, 86.25, 90.375, 93.375, 97.250, एट लास्ट 100.250। तो इसके साथ ही हमारा फोर ईयरली मेथड भी, मूविंग एवरेज मेथड भी कंप्लीट होता है। और ये लास्ट में जो आई है हमारी क्या है, ट्रेंड वैल्यूज़, जो क्या हो रही है, टाइम के साथ चेंज भी हो रही है। आपको ईयर और वैल्यू दे रखा है, उसके बाद जब चेंज हो गया है तो वो कितनी चेंज हो गई है वो दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको 5 ईयरली मूविंग एवरेज का दे रखा है। जैसे आपने 2 ईयरली का, सॉरी
जैसे आपने 3 ईयरली का निकाला था, ऐसे ही हम 5 ईयरली का निकालेंगे। अब यहाँ पे आपको ईयर्स दे रखे हैं और यहाँ पे सारी वैल्यूज़ दे रखे हैं, तो हमने ईयर और वैल्यूज़ की टेबल बना ली है। अब आपको पता है कि हमें मिड वैल्यू लेनी होती है, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 इसकी मिड क्या होगी, 110। तो इसके आगे हम सारी वैल्यूज़ लिखना स्टार्ट करेंगे। तो मतलब पहले यहाँ पे हम एक मिनट, तो पहले हम यहाँ पे 5 का टोटल करेंगे, इन पाँच को ऐड करके क्या आएगा हमारा 575। देन हम इन 5 का टोटल करेंगे तो उसको ऐड करके क्या आएगा हमारा 585। देन हम नेक्स्ट 5 का टोटल करेंगे 540। देन नेक्स्ट 5 का हमारा क्या आएगा 535। देन नेक्स्ट 5 587। एट लास्ट हमारा यहाँ से 5, 618, और लास्ट के 2 हमारे नहीं होंगे क्योंकि उसका कोई मिड वैल्यू नहीं है। हम क्या करते थे, 3 ईयरली में 3 से डिवाइड करते थे, और यहाँ पे किससे करेंगे, 5 से। ठीक है, तो 575 को डिवाइड किया 5 से, ऐसी सारी वैल्यूज को डिवाइड किया, तो हमारे आंसर्स आ गए हैं यहाँ पे सारे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसके 5 पार्ट्स हैं, तो ये हमारा 4th पार्ट है जिसमें हम 3 ईयरली वेटेड, यहाँ पे एक नया वर्ड है जो वेटेड, उसमें आपको यहाँ पे क्वेश्चंस में दिया रहेगा वेट्स, 3 ईयर्स के लिए 3 वेट होंगे और 5 ईयर्स के लिए 5। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ईयर्स और वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो फर्स्टली हमारा काम क्या होता है, 3 ईयर मूविंग टोटल निकालना, देन उसके बाद मूविंग एवरेज, यहाँ पे एवरेज आएगा, जो हमारा ये मूविंग एवरेज निकलेगा वो क्या निकलेगा, इस वाले मूविंग टोटल को किससे डिवाइड करेंगे, टोटल वेट से। टोटल वेट क्या होगा हमारा, 1 + 2 + 1 = 4, तो हम किससे डिवाइड करेंगे इसको, 4 से। अब यहाँ पे ईयरली वेटेड मूविंग टोटल निकालना है, तो यहाँ पे वेटेड वर्ड नया है तो कुछ न्यू भी होगा इसमें, तो देखते हैं। अब आपको पता है कि 3 ईयरली निकालने के लिए हमें मिड वैल्यू देखनी होती है, जैसे कि हमारे यहाँ पे 2, 4 और 5 है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे इसका 2 + 4 + 5। यहाँ पे मैंने इसको इसलिए लिखा है क्योंकि इसके साथ वेट भी मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि 2 + 8 + 5, टोटल कितना हो गया 15। ऐसी करके आप इनके सबके निकाल लीजिए। तो जब हम इन्हें वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे आंसर क्या आएंगे, 21, 27, 33, 41। ये आप करके देखिएगा तभी आएंगे आपको समझ। देन अब क्या करना था, हमें इसको टोटल वेट से डिवाइड करना था, तो कैलकुलेटर की हेल्प से ये आप निकालिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपके आंसर सही आ रहे हैं या नहीं। आपकी वैल्यूज़ कुछ ये आएंगी, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है जहाँ पे हमें वेरीफाई करना है कि 5 ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज ट्रेंड वैल्यूज़ विथ वेट। मैंने कहा था ना आपको क्वेश्चन में वेट दिया रहेगा, अब यहाँ पे 5 ईयरली का है तो यहाँ पे 5 वेट्स दिए हैं, रिस्पेक्टिवली इज़ इक्वलेंट टू 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज ट्रेंड वैल्यूज़। यहाँ पे इसके कहने का मतलब ये है कि वो कह रहा है कि 5 ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज किसके टोटल किसके इक्वल होना चाहिए, 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। सेंटर्ड से कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेंटर्ड वही होता है 4 ईयरली मूविंग एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, आप इसको पार्ट्स में डिवाइड करिए, जैसे मैंने आपको कराया वैसे करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मेथड थोड़ा डिफरेंट है किसका, 4 ईयरली का। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, चाहो तो जैसे मैंने कराया वैसे भी कर सकते हो। तो इसका इस पोर्शन तक हमारा 4 ईयरली निकाला हुआ है, कौन सा वाला, मूविंग एवरेज, और यहाँ पे हमें 5 ईयरली वेटेड एवरेज दिखा रखा है। यहाँ पे इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करके वही वैल्यू आती है, इसलिए ऐसे इन्होंने यहाँ पे 5 ईयरली का मूविंग टोटल निकाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 5 मेथड्स ख़त्म होते हैं, किसके, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज के। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मेथड्स ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड पढ़ेंगे। इसकी वीडियो काफ़ी कम छोटी ही बनेगी, पर आपको जल्दी समझ आ जाएगा बहुत इजी तरीके से, इसमें दो ही तरीके हैं, ऑड और इवन। थैंक यू।